नवरात्रों के चलते आज हम व्रत में खाई जाने वाली चीजों से डोसा बनाएंगे। इस नवरात्रि स्पेशल डोसे की रेसिपी बहुत ही सिंपल है। डोसा रेसिपी के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डोसे की स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए एक गर्म पैन में तकरीबन एक चम्मच देसी घी डालें। घी गर्म होने पर इसमें डालें दो चुटकी हींग, एक तिहाई चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा और बारीक काटा हुआ तकरीबन आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालकर थोड़ा भून लें। अब हम इसमें तकरीबन तीन मीडियम साइज उबले हुए आलू तोड़कर डाल देंगे। इसमें डालें एक चौथाई चम्मच पीसी हुई काली मिर्च और तकरीबन आधा चम्मच व्रत में खाया जाने वाला सेंधा नमक डालकर मिला दें। इन सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। तकरीबन दो मिनट पकाने पर जब सभी मसाले आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब डोसे की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम डोसे का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में डालें आधा कप व्रत में खाए जाने वाले चावलों का आटा, एक चौथाई कप सिंघाड़े का आटा, दो चुटकी पीसी हुई काली मिर्च और तकरीबन एक चौथाई चम्मच सेंधा नमक डालकर अच्छे से मिला दें। इस आटे में हम पानी मिलाकर इसकी पेस्ट बना लेंगे। आटे में पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि लम्स ना बन पाए। डोसा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बनकर तैयार है। अब डोसा बनाने के लिए एक गर्म तवे पर थोड़ा घी ब्रश कर लें और इसे साफ कपड़े के साथ इस तरह हल्के हाथों से पोंछ दें। अब इस पर थोड़ा पानी का छींटा दें और इसे भी कपड़े के साथ हल्के हाथों से पोंछ दें। अब हम इस पर तैयार किया हुआ डोसे का बैटर डालेंगे और चम्मच के साथ थोड़ा फैला लेंगे। इस डोसे को बनाने के लिए हम नॉनस्टिक तवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साइड्स पर और ऊपर भी हम थोड़ा घी ब्रश कर लेंगे। यूं तो डोसे को सिर्फ एक तरफ से ही पकाया जाता है, लेकिन हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा न रह जाए। इसकी दूसरी तरफ भी थोड़ा घी ब्रश करके सेक लगवा लें। अब इसके सेंटर में इस तरह से तैयार की हुई आलू की स्टफिंग रखें और इसे इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड कर लें। नवरात्रि स्पेशल डोसा बनकर तैयार है। इस मजेदार डोसे को नवरात्रि व्रत के दौरान व्रत में खाई जाने वाली धनिया पुदीने की चटनी या किसी भी व्रत में खाई जाने वाली चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोज एक नई रेसिपी वीडियो देखने के लिए साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाएं। धन्यवाद।